गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नप्ते। फ्रेंड्स, अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, दैट मे बी रिलेटेड टू द जॉब ओपनिंग्स, दैट मे बी रिलेटेड टू द डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इंटर्नशिप, सो द नोटिफिकेशन ऑफ दैट वीडियोज विल बी देयर for your information. So that's why if you are not subscribed this YouTube channel, so kindly subscribe this. So today I am giving the information about that dissertation based research training program. ये एक जो institute है, the name of that institute is Center for DNA Fingerprinting and Diagnostics. ये autonomous institute है, Department of Biotechnology and मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, एंड दिस इज लोकेटेड इन द हैदराबाद सिटी। तो इस इंस्टीट्यूट में 6 मंथ्स का, मिनिमम 4 मंथ्स एंड मैक्सिमम 6 मंथ्स का एक डिसर्टेशन बेस्ड रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड अगर कोई स्टूडेंट्स जो कि MSc परस्यूइंग कर रहा है, MPharm या फिर MTech एनी सेमिस्टर, या फिर BPharm, BTech और इंटीग्रेटेड MSc, एंड इफ दे आर इन फ्रॉम थर्ड ईयर और ऑनवर्ड्स, अगर लाइफ साइंसेज के एनी ब्रांच में इफ दे आर परस्यूइंग दिस कोर्सेज, देन दिस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस डिसर्टेशन बेस्ड रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम इन दिस सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। एंड यहाँ पे कुछ कंडीशंस उन्होंने दी है। एक तो एलिजिबिलिटी है, जो कि अगर कैंडिडेट MSc परस्यूइंग है, MPharm, MTech या फिर BPharm, BTech और इंटीग्रेटेड MSc, सो दैट कैंडिडेट दे कैन अप्लाई फॉर दिस डिसर्टेशन बेस्ड रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड वेदर यू आर वॉट एवर दैट लाइफ साइंसेज ब्रांच विल बी देयर, यू कैन अप्लाई फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके, सेकंड जो कंडीशन है, द एप्लीकेंट शुड हैव फर्स्ट क्लास थ्रू आउट देयर एकेडमिक करियर। मतलब अगर आपके एकेडमिक करियर में सभी क्लासेस में आपको एटलीस्ट फर्स्ट क्लास यहाँ पे होना चाहिए, दैट इज फ्रॉम 10th टू देन इंटरमीडिएट और 12th एंड आफ्टर दैट डिग्री टिल द प्रीवियस और द लास्ट सेमिस्टर। तो अगर आपको फर्स्ट क्लास है, एंड अगर आप लाइफ साइंसेस में MSc, MPharm, MTech, BPharm, BTech, इंटीग्रेटेड MSc परस्यूइंग कर रहे हो, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस डिसर्टेशन बेस्ड रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके बाद जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो है एप्लीकेशन प्रोसीजर, मतलब किस तरह से आपको या फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यू हैव टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड, यहाँ पे ऑनलाइन लिंक दी जाती है और उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। एंड यू हैव टू ऑल्सो इंक्लूड योर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कौन से पर्टिकुलर एरिया में आप वहाँ पे रिसर्च करना चाहते हो, डिसर्टेशन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इंक्लूड करना है, मेंशन करना है। एंड यू हैव टू ऑल्सो राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मतलब 200 वर्ड्स या 1500 वर्ड्स में, कैरेक्टर्स में आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वहां पे लिखना है। एंड यू हैव टू सबमिट दैट फॉर्म हियर। एंड एट द सेम टाइम दैट एप्लीकेशंस शुड ऑल्सो बी, यू हैव टू अटैच बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट और फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, क्योंकि अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो वहां से आपको आपका बोनाफाइड लेना चाहिए एंड वहां पे फिर आपको अटैच करना है। ये जो डिटेल्स है फीस के बारे में है, ड्यूरेशन जो है ऑलरेडी मैंने बताया 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है। उसके बाद अगर आपको एकोमोडेशन वहां पे होना है, तो टोटल 30,000 फीस वहां पे लगेगी, उसमें आपके 25,000 कोर्स के, मतलब ट्रेनिंग के आएंगे, डिसर्टेशन के आएंगे, प्लस 5,000 रुपीज यहाँ पे आपको अकोमोडेशन के लगेंगे। सो दिस इज द टोटल फीस 30,000 रुपीज, दैट इज, दैट इंक्लूड्स द फीस प्लस अकोमोडेशन। एंड अगर आपको अकोमोडेशन वहां पे नहीं चाहिए, तो द फीस विल बी 25,000 रुपीज, एंड दिस फीस इट इंक्लूड्स द GST अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वंस यू पेड दैट फीस, दैट विल नॉट बी रिफंडेड। ओके, एंड अगर दूसरी बात ये है कि सपोज आपने वहां पे ज्वाइन किया है प्रोग्राम, एंड बीच में अगर वो प्रोग्राम आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हो, तो बिकॉज अगर आप बीच में डिसकंटिन्यू कर रहे हो, तो आपका प्रोजेक्ट तो वहां पे कंप्लीट नहीं होगा। सो विदाउट कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोग्राम, दैट मीन मिनिमम रेसिडेंसी पीरियड ऑफ 4 मंथ्स,
सो नो प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन विल बी प्रोवाइड। अगर आप बीच में डिसकंटिन्यू करते हो तो आपको वहां पे दैट कंप्लीशन सर्टिफिकेट वहां पे नहीं मिलने वाला। ये एप्लीकेशन फीस के बारे में, ये आपका अगर नंबर वहां पे लग जाता है, सिलेक्शन अगर आपका होता है तो ये उसकी फीस है, और अगर आपको अप्लाई करना है तो ये अप्लाई एप्लीकेशन फीस है। फॉर जनरल कैंडिडेट्स द फीस इज 500 रुपीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस दैट इज ओबीसी द फीस इज 250 रुपीज, एंड दिस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी देन ईडब्ल्यूएस देन वुमेन कैंडिडेट्स द फीस इज 125 रुपीज। तो इस तरह से ये फीस है। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको वहाँ पे अटैच करने चाहिए, एनक्लोज करने चाहिए। दैट कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स, और दैट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, एंड दैट शुड बी इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो ऑल दिस सर्टिफिकेट्स यू हैव टू एनक्लोज विथ यूर एप्लीकेशन। एंड ये डिटेल्स है, बैंक अकाउंट डिटेल्स दैट यू हैव टू ट्रांसफर दैट फीस, that is after selection that you have to transfer, but if you are applying then you have to transfer that application fees here. Okay, so these are the application that document bank details, bank account details on CDFD. So this bank name State Bank of India, branch name with complete address with telephone number, then IFS code of the branch, then MICR code MICR, then type of bank account एंड कंप्लेंट बैक अकाउंट नंबर। तो इस डिटेल्स में लेके आपको वहाँ पे फीस पे करनी है। और उसके बाद ये है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू आर फुलफिलिंग द अबव कंडीशन, दैट मे बी द एलिजिबिलिटी, दैट मे बी द परसेंटेज, देन यू कैन रजिस्टर फॉर दिस प्रोसेस और फॉर दिस डिसर्टेशन रिसर्च और प्रोग्राम एंड बाय और इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। जो फॉर्मेट यहाँ पे उन्होंने दिया है उस पर आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, एंड दिस शुड बी ऑनलाइन मोड ओनली। एंड जो लास्ट डेट है फॉर सबमिशन ऑफ दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन, इट इज 7 अक्टूबर 2022, मतलब 7 अक्टूबर 2022 तक आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है एप्लीकेशन करने की, अप्लाई करने की, वो वहाँ पे क्लोज हो जाएगी। एंड अगर आपका एप्लीकेशन कोई इनकम्प्लीट होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे अटैच नहीं कर रहे हो, इनक्लूज नहीं कर रहे हो, तो सच फॉर्म्स और योर एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड, वहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। एंड इसकी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट, ऑन द सेम वेबसाइट ऑन इन फर्स्ट वीक ऑफ नवम्बर 2022। तो नवम्बर के पहले हफ्ते में यहाँ पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनकी लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। सो यू कैन चेक योर नेम ऑन द सेम वेबसाइट, और उसके बाद जो ट्रेनिंग विल बी ट्रेनिंग हो जाएगा, सो दैट विल बी फॉर मैक्सिमम आउट ऑफ 6 मंथ्स, एंड दैट शुड बी बिटवीन डिसम्बर 2022 टू डिसम्बर 2023। और एक्चुअल डेट्स जो रहेंगे वो बाद में फिर आपको वहाँ पे इन्फॉर्म किए जाएंगे। तो इस तरह से आप, और यहाँ पे क्लिक करके आपको अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उस इस ट्रेनिंग कोर्स को अप्लाई कर सकते हो, दैट इज डिसर्टेशन बेस्ड रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इस तरह से ये आपको, इफ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन अप्लाई। एंड एज आई टोल्ड अर्लियर, सो इफ यू आर परस्यूइंग एमएससी, एमफार्म, एमटेक और बीफार्म, बीटेक और इंटीग्रेटेड एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस डिसर्टेशन बेस्ड रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम। And this is, as I told here, this is the autonomous institute which is run by the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India. And the name of that institute already told, Center for DNA Fingerprinting and Diagnostics, which is located in Hyderabad. Okay, thank you.